नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। जिनके घर में दर्पण नहीं होता वे एक दूसरे से पूछकर काम चलाते हैं। ठीक उसी तरह पाकिस्तान के पीएम ट्रंप को अपना राग सुनाकर उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं, मतलब इन्हें खुद की हालत दिखाई नहीं देती। और ट्रंप को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आइए, कश्मीर पर अपना रोल फिर निभाइए। खास बात यह है कि ट्रंप भी इनकी तशरीफ का दर्द भली बातें समझते हैं, इसलिए वह भी चिपकाऊ मल्लम लेकर इमरान के सामने आ बैठते हैं। उसके बाद बेमतलब के गधैया नृत्य और बकरी कुदान इस्लामाबाद के चौराहे पर होने लगते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में कल विश्व आर्थिक मंच के तहत ट्रंप की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान ने फिर से कश्मीर राग अलाप कर ट्रंप से मध्यस्थता की पेशकश की। मजे की बात यह है कि इस बार भी उन्होंने मध्यस्थता करने के लिए भारत और पाकिस्तान का रजामंद होना जरूरी बताया, जिसके बाद इमरान के लिए इस बैठक का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि भारत के लिए यह मुद्दा द्विपक्षीय है। ऐसे में इमरान बेआबरू होकर ट्रंप के दरबार से निकल गए, पर मामला यहां तक नहीं है। इस बैठक से पहले ट्रंप ने जो बड़ी बात कही उसने इमरान को बड़ा ही झटका दिया है। ट्रंप ने कहा, आज के वक्त में व्यापार बहुत बहुत अहम होने जा रहा है। भारत के साथ अमेरिका एक बड़े स्तर पर निवेश की योजना बना रहा है। अगर पाकिस्तान के साथ भारत भी इच्छुक होगा तो वह कश्मीर पर मदद कर सकते हैं। अपनी तरफ से अमेरिका कोई पहल नहीं करने जा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ गए जब एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा क्या वे आने वाले दिनों में पाकिस्तान दौरे पर आएंगे, तो ट्रंप ने सवाल को सीधे तौर पर टाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो हम साथ साथ बैठे हुए हैं। सितंबर 2019 के बाद इमरान ट्रंप की यह दूसरी मुलाकात थी। ट्रंप इससे पहले भी कश्मीर मुद्दे पर बयान देकर पाकिस्तान में गधैया नृत्य करा चुके हैं। हालांकि बाद में ट्रंप ने अपने ही बयान में कहा था कि पाकिस्तान को द्विपक्षीय स्तर पर मसला सुलझाना चाहिए। वैसे उम्मीद यही की जा रही है कि इमरान खान ट्रंप के इस बयान पर फिर से बकरी कुदान जैसी कोई क्रिया नहीं करेंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।